क्वेश्चन आंसर्स आज देखते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे होल लेसन को कवर किए जैसा आई रोट हियर इन इंपॉर्टेंट फाइव क्वेश्चंस, उसमें फोर क्वेश्चंस स्मॉल क्वेश्चंस हैं और एक फाइव मार्क क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू मार्क क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होल लेसन के हैं। तो फर्स्ट है लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। आई रिपीट द क्वेश्चन, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी। इसका मीनिंग है इंग्लिश में व्हाई डिड द राइटर फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट ऑन सीइंग द बस। Why did the writer feel a sense of respect on seeing the bus? So first question का meaning, वो bus को देखने से writer के मन में क्यों इतना respect आता है? तो answer है bus की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था तो क्या है? उसका appearance, bus को देखने में very old और उसका condition कई बस का कंडीशन बहुत बहुत ओल्ड और बहुत ओल्ड और डंजन बस थी, ठीक है। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था, उसका अपीयरेंस बहुत अगली और बहुत ओल्ड और डैमेज्ड है, देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। विच मीन लेखक के वो जो देखने में इतना डंजन बहुत उसका अनकंडीशन है, तो बस में ट्रैवल करने के लिए कैपेबल नहीं है, फिर भी वो रनिंग में है, यानी वो बस को यूज करके ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स जाते हैं आते हैं, तो इसलिए वो बस को देखने में लेखक के मन में श्रद्धा भाव यानी रेस्पेक्ट उमड़ पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा, उसका मीनिंग है व्हाई डिड द राइटर लूज हिज कॉन्फिडेंस ऑन द बस। व्हाई डिड द राइटर लूज हिज कॉन्फिडेंस ऑन द बस। तो बस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस जो भी हो होना चाहिए ना, तो राइटर का कॉन्फिडेंस क्यों ब्रेक हो गया, उनका कॉन्फिडेंस ऑन द बस क्यों नहीं था, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर है बस में बैठने के बाद लेखक को पता चला कि इस बस में बैठना खतरे से खाली नहीं है और उन्हें लगा कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है, इसलिए उसे बस पर भरोसा ना रहा। तो इसका मीनिंग है इस बस में बैठना, तो ऑन सिटिंग ऑन द बस खतरे से खाली नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस ऑन सिटिंग ऑन द बस, विच मीन ट्रैवल करना ऑन दैट पर्टिकुलर बस में, वो ओल्ड बस में ट्रैवल करना बहुत डेंजर है और उन्हें लगा कि एंड ही फेल, उसके मन में जो थॉट आता है वो बस के बारे में ऑन दैट बस ही थॉट कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, एट एनी टाइम बस ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है, अदरवाइज वो बस का जो स्टीयरिंग होता है ना वो भी ब्रेक हो सकता है। एंड नेक्स्ट, इसलिए उसे बस पर lose his confidence on the bus. Once again, repeat the same question. लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? Which means, why did the writer lose his confidence on the bus? तो writer को बस के ऊपर विश्वास, confidence को क्या कहते हैं, विश्वास और hope जो भी है, तो वो क्यों नहीं था?
या स्टीयरिंग टूट सकता है। तो मेन दो रीजन था क्या है, ये बहुत डेंजर है और नेक्स्ट एनी टाइम ब्रेक फेल हो सकता और स्टीयरिंग बस का स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक हो सकता। इसलिए फॉर द रीजन उसे बस पर भरोसा ना रहा, तो उसका कॉन्फिडेंट ही लूज हिज कॉन्फिडेंट ऑन अबाउट द बस। थर्ड क्वेश्चन, लेखक व उसके मित्र कहां जा रहे थे? लेखक व उसके मित्र कहां जा रहे थे? इसमें where the writer and his friends going? Where the writer and his friends going? तो writer और उनके friends, totally how many friends are there? 5 friends. तो वो 5 friends, including writer को भी मिलाकर 5 friends. Where the going? तो इसका answer है लेखक व उसके मित्रों को जबलपुर जाना था। तो राइटर और हिज फ्रेंड्स को जबलपुर, दे हैव टू गो टू जबलपुर। पन्ना किसी काम से आए थे, सो दे केम टू पन्ना फॉर सम रीजन, फॉर सम वर्क दे केम टू पन्ना। तो कौन से गए? लेखक व उसके मित्र कहां जा रहे थे? Where the writer and his friends going? लेखक व उसके मित्रों को जबलपुर जाना था। राइटर और उसके फ्रेंड्स, दे हैव टू गो टू जबलपुर। वे पन्ना किसी काम से आए थे, दे केम टू पन्ना फॉर सम वर्क। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? Why did the writer feel the bus as an old lady? Why did the writer feel the bus as an old lady? तो बस को देखते ही उसे रिस्पेक्ट उसके मन में आता है, तो he feel more respect on that bus. Why? Because it's look like very old, it's look like a old lady. बस देखने में अत्यधिक पुरानी व खस्ता हालत में थी। बस देखने में, तो उसका अपीयरेंस देखने में, तो इट लुक्स, तो बस का लुक अत्यधिक पुरानी, वेरी ओल्ड, अत्यधिक पुरानी मीन्स वेरी ओल्ड व खस्ता हालत में थी। तो खस्ता हालत तो बहुत डेंजर जोन में था बस का कंडीशन, ठीक है। बस देखने में अत्यधिक पुरानी व खस्ता हालत में थी, तो बस लुक लाइक वेरी ओल्ड एंड वेरी, उसका कंडीशन कैसा था? बस का कंडीशन डेंजर जोन, लाइक बहुत डैमेज्ड कंडीशन में था, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। दैट्स व्हाई उसका थॉट हुआ कि बस लुक लाइक एन ओल्ड लेडी, ठीक है। वंस अगेन रिपीट द फर्स्ट द स्मॉल क्वेश्चंस और एक बार रिवाइज करते हैं। लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? लेखक को, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? उसका मीनिंग इंग्लिश में है, Why did the writer feel a sense of respect on seeing the bus? Why did the writer feel a sense of respect on seeing the bus? Bus ki jeerna sheerna avastha dekhkar, to jeerna sheerna avastha to uska bad condition, uska appearance, uska look dekhkar, lekhak ke man mein bus ke prati श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा, which means तो राइटर के मन में, मन तो क्या है, उसके माइंड में ऐसा एक रेस्पेक्ट आया, because this much old bus, तो इट्स लुक लाइक कोई फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट
स्पेशल पर्सन जैसा ट्रीट करते हैं, जो कि स्पेशल पीपल, क्योंकि आज 74 इयर्स कंप्लीट हो गया, 73 इयर्स कंप्लीट हो गया है, अब 74th ईयर हमने सेलिब्रेट किया था, तो उतना ओल्ड, दैट मच ओल्ड वो बस का अपीयरेंस कैसा ऐसा था, लाइक फ्रीडम फाइट में जो पार्टिसिपेट किए जैसा बस, इट्स लुक लाइक दैट ओनली, तो बस के प्रति श्रद्धा भाव प्रबल पड़ा, फॉर दैट रीजन राइटर के माइंड में रिस्पेक्ट फील हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं रहा, विच मीन वाई डिड द राइटर लूज हिज कॉन्फिडेंस ऑन द बस, वाई डिड द राइटर लूज हिज कॉन्फिडेंस ऑन द बस, तो वहां पे कुछ रीजन होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन टू लूज दिस कॉन्फिडेंस, हुम राइटर का कॉन्फिडेंट लूज होने के लिए वहां क्या रीजन था। बस में बैठने के बाद लेखक को पता चला कि, तो आफ्टर उसने बस में सीट होने के बाद बैठने के बाद आफ्टर सिटिंग ऑन द बस पता चला कि दे गेट नो अबाउट दैट बस कंडीशन इस बस में बैठना आई एम सिटिंग ऑन दिस बस खतरे से खाली नहीं है, सिटिंग ऑन दिस बस इज वेरी डेंजरस, और उन्हें लगा कि अनडेफिल्ड कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, एट एनी टाइम बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है, दैट बस का स्टीयरिंग कैन ब्रेक, इसलिए फॉर दैट रीजन उसे बस पर भरोसा ना रहा, तो यही रीजन था उसे बस पर, ही लूज हिज कॉन्फिडेंट फॉर दिस रीजन, व्हाट इज दैट रीजन, टोटली थ्री रीजन, फर्स्ट वन इज ट्रैवलिंग ऑन दिस बस इज वेरी डेंजरस, एंड सेकेंड वन ही थॉट बस ब्रेक फेल हो सकता है, अदरवाइज बस का स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग है वो टूट सकता है, यानी ब्रेक हो सकता है, दिस थ्री रीजंस, दैट्स व्हाई ही थॉट एंड ही लूज हिज कॉन्फिडेंस ऑन दिस बस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लेखक व उसके मित्र कहां जा रहे थे, वेयर द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग, लेखक व उसके मित्र कहां जा रहे थे, वेयर द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग, तो टोटली हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर, फाइव फ्रेंड्स, उसमें कौन था, एक डॉक्टर फ्रेंड भी था और राइटर था और एक्स्ट्रा और अनदर थ्री पर्संस थे, टोटली फाइव फ्रेंड्स, दे हैव टू गो जबलपुर, सो द नाउ दे आर इन पन्ना, ओके, सो देयर इज नो ऑप्शन टू रीच द ट्रेन, सो दे हैव टू गो बाय द बस ओनली, सो देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, तो इसलिए लेखक व उसके मित्रों को, लेखक एंड हिज फ्रेंड्स हैव टू गो टू जबलपुर, पन्ना किसी काम से आए थे, दे केम टू पन्ना फॉर देयर सम वर्क, दे हैव सम वर्क, दैट्स व्हाई दे केम टू पन्ना। फोर्थ क्वेश्चन, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी, व्हाई डिड द राइटर फील द बस एज एन ओल्ड लेडी, व्हाई डिड द राइटर फील द बस एज एन ओल्ड लेडी, तो वो बस देखने में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका, व्हाई डिड उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, क्या हुआ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट का रीजन था यह था, दैट इज द रीजन, द मेन रीजन इज द बस इज लुक लाइक एन ओल्ड लेडी, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, तो यहां पे देख लेना, व्हाई डिड द राइटर फील द बस इज एन ओल्ड लेडी, सो उसका आंसर है बस देखने में अत्यधिक पुरानी, इट्स लुक लाइक वेरी ओल्ड और खस्ता हालत में थी,
उसका कंडीशन बहुत वर्स्ट था, वर्स्ट कंडीशन में था, इसलिए लेखक को ऐसा लगा। That's why he thought the bus does look like an old lady। तो यहाँ का फोर क्वेश्चन हो गया और अब रिमाइनिंग फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ फोर लाइन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ रख करके रिमाइनिंग आंसर लिखता हूँ। एक मिनट बच्चे। तो बच्चों अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन यानी फाइव मार्क क्वेश्चन। बस की यात्रा पार्ट से क्या संदेश मिलता है? Which means, what is the message taught by the lesson? तो ये लेसन में से आपको क्या मैसेज मिलता है? संदेश तो मैसेज, तो ये लेसन में से क्या मॉरल मिलता है? तो उसे यहाँ पे बताते हैं। उनसे कहें, बस की यात्रा पार्ट से, बस की यात्रा from this lesson, क्या संदेश मिलता है? तो तुम्हें लाइफ के लिए क्या लेसन, क्या मॉरल मिलता है? तो यही उसका मीनिंग है। इस पार्ट से यह संदेश मिलता है कि वी कैन गेट दिस मैसेज फ्रॉम दिस लेसन। फ्रॉम विच लेसन? बस की यात्रा लेसन। समयानुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक होता है और यदि नवीनीकरण करने से भी कोई वस्तु सही रूप से कार्य न करें तो उसकी जगह नई वस्तु ले लेनी चाहिए। जैसे बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य था कि उस पुरानी बस की जगह नई बस लेते। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल फ्रॉम दिस लेसन, यानी इस ये लेसन का क्या मोरल मिलता है, लाइफ के लिए क्या लेसन मिलता है? तो इसका आंसर है, इस पार्ट से यह संदेश मिलता है कि वी कैन गेट दिस मोरल फ्रॉम दिस लेसन। समयानुसार, तो पीरियडिकली जो भी एक मशीन मशीनरी है, जो भी एक इक्विपमेंट है, तो व्हाटएवर इट इज, उसे पीरियडिकली प्रत्येक वस्तु का, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स या मशीनरी जो भी है, का नवीनीकरण आवश्यक होता है। नवीनीकरण, व्हाट डू यू मीन बाय नवीनीकरण? नवीनीकरण तो रीजनरेट, यानी तो अब बस या लॉरी होते हैं तो उसे एवरी ईयर एफसी करते हैं। एफसी तो पता है ना, उसका पूरा कंडीशन पेंट लगाते हैं, जो भी उसका टायर डैमेज हुआ है टायर चेंज करते हैं, और अंदर में जो भी डैमेज उसका इक्विपमेंट और टूल्स और जो भी स्पेयर पार्ट्स बहुत वीक है उसे चेंज करके न्यू स्पेयर पार्ट्स लगाते हैं, और उसका होल बस और होल व्हीकल को यानी लारी को रीजनरेट करते हैं। यही रीजनरेट का अर्थ है नवीनीकरण। तो समयानुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक होता है। तो मेन फर्स्ट मॉरल क्या है? तो ईच एंड एवरी मटेरियल यानी एवरी टूल या मशीनरी के लिए वी हैव टू रीजनरेट दैट पीरियडिकली फॉर सर्टेन पीरियड। तो अब तो सभी अब हम मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल यूज करने से क्या होता है? मोबाइल यूज करते समय फर्स्ट ईयर अच्छा होगा, और एक साल दो साल वन ईयर टू ईयर आकर क्या होता है, मोबाइल में हैंग होने का प्रॉब्लम आता है, यानी उसका प्रोसेस स्लो होता है। तो उस समय क्या करते हैं हम, मोबाइल में से जो अनवांटेड वीडियोस और जो भी उसका उसका स्टोरेज को ऑक्यूपाई किया है उसे हम डिलीट करते हैं और मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं यानी मोबाइल को रीजनरेट करते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर सभी मशीनरीज और सभी को इंक्लूडिंग हम ह्यूमन को भी क्या कहते हैं, हम ह्यूमन लोग सॉरी वी पीपल, तो हमारे घर यानी हमारे हाउस को क्या करते हैं, एवरी ईयर जब भी पोंगल हो या दिवाली हो जो भी कोई फेस्टिवल्स हो ईयरली वंस हम व्हाइट वॉश करते हैं और पूरा होम जो भी घर एंटायर होम को क्लीन
जो भी स्टोरेज में स्टोर करके रखा है पुराना ओल्ड जो भी चीज है उसे बाहर उठाते हैं और उसे क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर सब पूरा होल घर को यानी होल हाउस को वाइट वॉश करके जो भी घर में रिपेयरिंग वर्क है तो उसे करते हैं, ये पूरा करते हैं नॉट ओनली फॉर मशीन इंक्लूडिंग होम, अवर होम को भी पेंटिंग और जो भी वहाँ पे डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर और इलेक्ट्रॉनिक जो भी मशीनरीज है उसे सब हम रिजनरेट करते हैं। तो ये तो ह्यूमन में भी रिजनरेट प्रोसेस है, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स। जो हमारे लाइफ वर्क ऑफिस और स्कूल तो रूटीन लाइफ का एक साइकिल प्रोसेस होता है, तो वी पीपल फील वेरी बोर एंड वेरी टायर्ड, सो दैट टाइम वी हैव टू रिजनरेट आवरसेल्फ बाय गोइंग एनीवेयर। तो यहाँ पे हमें रिजनरेट करने का प्रोसेस क्या है, कोई टूर और पिकनिक जाते हैं, कोई रिलेटिव्स के घर जाते हैं, या कोई फंक्शन का छोटा सा एक पार्टी या कोई फेस्टिवल्स को जाते हैं। जाकर क्या होता है, हमारा हार्ट को यानी हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है और हम बहुत रिफ्रेश होते हैं, और हमारे ह्यूमन के फिजिकली हमारा रिजनरेट प्रोसेस है क्या है, योगा एक्सरसाइज प्राणायाम जो भी ऐसे प्रोसेस हैं, इससे करने से हमारा इनर ऑर्गन्स और हमारा जो भी फिजिकल कंडीशन हेल्थ है उसे रिजनरेट करके स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ह्यूमन में भी रिजनरेट प्रोसेस होता है। तो और व्हाट अबाउट द बस, तो बस को भी रिजनरेट करना पड़ेगा। समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक होता है, पीरियडिकली रिजनरेट प्रोसेस इज मस्ट। यदि नवीनीकरण करने से भी कोई वस्तु सही रूप से कार्य ना करे तो इनकेस रिजनरेट प्रोसेस के आफ्टर भी ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली विच मीन व्हाट शुड वी डू, तो वी हैव टू रिप्लेस द मशीन। तो जो डैमेज ओल्ड मशीन के अल्टरनेटिव से हम कोई न्यू मशीन और इक्विपमेंट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, यदि नवीनीकरण करने से भी तो रिजनरेट करने से भी कोई वस्तु सही रूप से एनी मटेरियल और एनी मशीनरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली आफ्टर रिजनरेट प्रोसेस आफ्टर रिपेयरिंग प्रोसेस कार्य ना करे नॉट वर्किंग प्रॉपरली विच मीन उसकी जगह फॉर दैट मशीन उस मशीन के प्लेस में नई वस्तु ले लेनी चाहिए। वी हैव टू रिप्लेस एनी न्यू मशीनरीज और न्यू इक्विपमेंट। जैसे बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य था, तो यहाँ पे बस के हिस्सेदारों वहां पे वी डोंट नो हाउ मेनी पार्टनर्स फॉर दैट बस, बट इन दिस लेसन देयर इज ओनली वन पार्टनर ट्रैवलिंग विद द राइडर। सो तो वो बस के हिस्सेदारों यानी बस के जो भी पार्टनर्स हैं, वो बस ट्रांसपोर्ट के जो भी पार्टनर्स हैं, उनका ड्यूटी कर्तव्य तो क्या है, उनका ड्यूटी और उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, था कि उस पुरानी बस की जगह पर वो ओल्ड बस के प्लेस में नई बस लेते। दे हैव टू रिप्लेस एनी न्यू बस फॉर दैट, तो Instead of that old bus, they have to buy one new bus as a replace. This is the procedure. But तो यहाँ पे ये lesson में वो bus company के partners they didn't do that replacement because they thought till the bus condition is very good like it. तो once again I repeat the fifth question. बस की यात्रा पाठ से क्या संदेश मिलता है, बस की यात्रा पाठ से क्या संदेश मिलता है, व्हाट इज द मैसेज टॉट बाय द लेसन, व्हाट इज द मैसेज
वी कैन गेट अ मोरल फ्रॉम दिस लेसन. समयानुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक होता है. पीरियडिकली ईच एंड एवरी मटेरियल और एवरी मशीनरी का रीजनरेट प्रोसेस इज मस्ट. और यदि नवीनीकरण करने से ही तो आफ्टर द रीजनरेट प्रोसेस वस्तु सही रूप से दैट मटेरियल और मशीनरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली आफ्टर द रीजनरेट प्रोसेस कार्य ना करे तो उसकी जगह उसके प्लेस में नई वस्तु ले लेनी चाहिए. वी हैव टू रिप्लेस एनी वन न्यू मशीन और न्यू इक्विपमेंट फॉर दैट ओल्ड वन. जैसे बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य था कि उस पुरानी बस की जगह नई बस लेते. लाइक तो वो बस कंपनी के पार्टनर्स जो भी हैं उनका रिस्पांसिबिलिटी क्या था. उनका रिस्पांसिबिलिटी था दे हैव टू बाय रिप्लेस अ न्यू बस फॉर द ओल्ड बस. तो वो ओल्ड बस को डिसमेंटल कर सकते हैं या जो भी करना है उसे यूज करने का कितना वो कैपेबल नहीं. द बस इज नॉट कैपेबल टू रन. इट्स नॉट रनिंग कंडीशन. सो दे हैव टू बाय अ न्यू बस इंस्टेड ऑफ द ओल्ड बस बट दे डिडंट डू इट. सो द मेन मोरल फ्रॉम दिस लेसन ईच एंड एवरी मटेरियल एवरी मशीनरी इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी लाइफ में रीजनरेट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पीरियडिकली और प्रॉपरली तो पीरियडिकली हमें वी हैव टू फॉलो दैट रीजनरेट प्रोसेस. तो आई गिव वन एग्जांपल आई गिव मेनी एग्जांपल इंक्लूडिंग आवर होम आवर सेलफोन यानी मोबाइल और जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं. व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और इंक्लूडिंग हमारा mentally or physically hame fit rakhne ke liye we have to follow the regenerate process. What are the regenerate process for mental condition, mental health ke liye? What are the regenerate process for our mental health going for any festivals or going for any picnic or any tour or any for some get together process or any relatives house, any festivals like this special occasion will do regenerate process. It will give more it make us very enthusiastic and it gives some special energy and it looks like a regenerate process to our mental strength. तो हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिजनरेट करने के लिए तो पिकनिक जाते हैं, टूर जाते हैं, आप मूवी जाते हैं और कोई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर रखते हैं. ये सब हमारा मेंटल हेल्थ के लिए रिजनरेट प्रोसेस है. फिजिकल हेल्थ के लिए व्हाट आर द रिजनरेट प्रोसेस? तो फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या है? योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग और जो भी प्राणायाम तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है दी सब द regenerate process to हमारे physical health को regenerate करने के लिए these are the process. तो ये सब follow करने से हमारा physical health भी बहुत regenerate कर सकते हैं और stay healthy से रह सकते हैं. हमारा lifestyle we can live healthy lifestyle. So okay बच्चों, तो इसे अपने class work में copy कर लेना. ये पूरे 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो 5 क्वेश्चन को अपने क्लास वर्क में डेट लिखकर कॉपी कर लेना. ठीक है? ऑलरेडी आई गॉट दिस लेसन. तो आई रोट मीनिंग वोकैबुलरीज विद इंग्लिश मीनिंग. तो हिंदी वर्ड का जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो डिफिकल्ट वर्ड का इंग्लिश मीनिंग आई रोट ऑलरेडी. तो उसे भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना. और क्या है? और ये जो भी पूरे क्वेश्चन आंसर है ये पूरे क्वेश्चन आंसर को अपने क्लास वर्क में नीट से वन लाइन लीव कर
ईच एंड एवरी क्वेश्चन को यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली स्लोली और मीनिंग अंडरस्टैंड करके तुम पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इफ यू रीड द क्वेश्चन विथ मीनिंग, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन्स मीनिंग देन यू कैन इजीली आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, तो टोटली 5 क्वेश्चन्स हो गया है, तो इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना. तो अब हम देखते हैं बच्चों, आप बस की यात्रा पाठ से एक चार इंपॉर्टेंट मुहावरे, आई रोट हियर फोर इंपॉर्टेंट मुहावरे, तो इसे कैसे पढ़ना, तो इसे एक सेंटेंस में सेंटेंस फ्रेम करते समय सेंटेंस में इंक्लूड करके लिखना होगा. तो यहाँ पे आई गेव हियर मुहावरे विथ इट्स मीनिंग, तो दिस इज इनफ फॉर यू. ओके, तो अब यहाँ पे सिर्फ मुहावरे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का मीनिंग सिर्फ लिखेंगे तो बस, उसे सेंटेंस में मेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कूच करना विच मीन आगे बढ़ना, तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कूच करना यानी आगे बढ़ना मीन्स मूव फॉरवर्ड. तो मूव फॉरवर्ड को क्या कहते हैं, कूच करना और आगे बढ़ना. कूच करना आगे बढ़ना एंटायरली डिफरेंट, आप वर्ड्स में देखेंगे तो टोटली डिफरेंट होगा बट मीनिंग इज सेम. कूच करना और आगे बढ़ना विच मीन मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट आगा पीछा करना, आगा पीछा करना मीन इधर उधर होना, तो इधर उधर होना, तो हियर एंड देयर. ठीक है, बाहें पसारना तो दिल से स्वागत करना, हार्टी वेलकम. तो वंस अगेन, कूच करना आगे बढ़ना मूव फॉरवर्ड, आगा पीछा करना इधर उधर होना, तो हियर एंड देयर ऐसा जाते हैं ना, तो प्राणांत होना विच मीन लाइफ का एंड होना यानी डेथ होना, मृत्यु होना, प्राणांत होना मृत्यु होना विच मीन डेथ होना, डेथ. बाहें पसारना दिल से स्वागत करना, हार्टी वेलकम. ठीक है बच्चों, इसे भी अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना और नोट को नीट से मेंटेन करना और डेट लिखकर नीट से मेंटेन करना और इंडेक्स जो भी है इंडेक्स में डेट और लेसन का नेम पूरा लिखकर मेंटेन करना. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.